हे एवरीवन, वेलकम टू अमन वर्मा चैनल। आज बहुत सनी डे है और हम सब जा रहे हैं हमारी एक कॉलेज ट्रिप पे। ये पूरे 2 दिन की ट्रिप होने वाली है और हम चल रहे हैं इंदौर से पूरे 95 किलोमीटर दूर एक प्यारे से रिजॉर्ट में, जो कि इंदौर से 2 घंटे की दूरी पे नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। इसी वजह से इस रिजॉर्ट का नाम नामेडस रखा हुआ है। आई होप आपको इस ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम तो जा ही रहे हैं हमारे कुछ दोस्तों के साथ, आप भी चलें हमारे साथ इस नामेडस ट्रिप पे। इन लोगों ने, मैं लेट आया हूँ इस वजह से लोगों ने ये गेट लगा दिया है। तुम लोग को कोई काम नहीं है, जल्दी आ जाते हैं लोग, फिर मुझे लगता है मैं सबसे आखिरी में आता हूँ। अबे अमन, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, क्या रहा हूँ इसका फोन स्टार्ट नहीं हो रहा। भैया तुम फेमस हो जाओगे, इसके ब्लॉग में आ जाओ। अरे भैया भैया हाय कर दो जरा, ये हमारे कैंटीन वाले भैया हैं, भैया हाय कर दीजिए एक बार। कैंटीन के बारे में बोलना लगे भैया, हाय कर दीजिए। सर्विस तो आ गई। बस के लिए नारियल फोड़वाएगा ना, मैं आ गई। अब श्रेया, अब श्रेया हमें डांस करके दिखाएगी। हैवी ड्राइवर है सुबह, ये क्या स्कूटी भगा रही थी, मैंने देखा इसको। थैंक यू। सब्सक्राइब अमन, सब्सक्राइब अमन वर्मा ऑन यूट्यूब। फ्लैश जलाओ, फ्लैश फ्लैश से नहीं आएगा वो, और धुंधला हो जाएगा। हमारा सफर काफी अच्छा रहा, रास्ते में हमें बहुत ज्यादा मजे आए। वो कहते हैं कि जो असली मजा होता है वो सफर का होता है, मंजिल का नहीं। पर जो हमारे मजे थे वो हमें हमारी मंजिल पे भी आए, पर क्या ही बताएं, हमारी मंजिल ही कुछ ऐसी थी। अभी हम सबको रूम्स नहीं मिले हैं, अभी चेक इन में थोड़ा सा टाइम है और अभी ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी। जैसे ही चेक इन होगा हम सब लोग अपने रूम्स में जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे
और फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इस रिजॉर्ट में। गुम हुआ बच्चा मिल गया। हम सबको रूम अलॉट हो गए हैं तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये सारे आदित्य ने बहुत नाचा रास्ते में, बहुत ज्यादा नाचा, और इसने बता दिया कि ये दिल्ली से है तो अभी तो नाचना बाकी है। बता दे भाई कहाँ से। कंटिन्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल। सी यू टाटा बाय। नहीं नहीं पहले ठीक से मिल तो ले। तो ये क्या है, ये कॉटेजेस है क्या है, झोपड़े। हम झोपड़ी वाले 2500 में झोपड़ी में मेरे को बिठाएंगे। अबे यार तुम पिक तो युवा ने कौन सा है युवा है यार बोला ये लगून है। ये लगून है। हाँ ये रूबी प्राइवेट विला। फाइनली वी आर इन अवर रूम। अभी मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। ये हमारा लगून सेकेंड है, यहाँ से शुरू होता है और ये मेन गेट है हमारा, मेन दरवाज़ा है यहाँ से। और ये कुछ हट टाइप की बनी हुई है यहाँ ऊपर। और वैभव हाँ भाई। और ये हमारा छोटा सा पूल, प्राइवेट पूल मिले भाई और क्या चाहिए। ये हमारा छोटा सा पूल जिसमें हम रात में एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पे। भाई मैं बताता हूँ ना, सबसे डीलक्स रूम में है ना। और ये हमारी विंडो। अभी हम सबसे पहले रूम के अंदर चलते हैं। तो जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो ये हमारा वॉशरूम है और ये हमारा आदित्य भार्गव है। और ये कुछ गद्दे वगैरह जो हमें रात में यूज़ आने वाले हैं क्योंकि बेड तो यहाँ पे एक ही है। और ये चेयर पड़ी हुई है यहाँ पे, एक टीवी, एसी और एक डिसेंट सा बेड। काफ़ी नॉर्मल सा रूम है, ठीक है, और इस रिजॉर्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो हम छह लोग हैं ना, तो हम छह लोग इस रूम में रुकने वाले हैं। कल तक के लिए रूम हमारा है। सोएगा तो कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, सब पूल में पैर डाल के बैठेंगे। एक पल तो हमें जीने दो। तो हम सारे भी स्नैक्स के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली वहाँ पे स्नैक्स हमारा बफेट लगा हुआ है। अभी हम ये चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग सारे लोग चलते हैं बोटिंग के लिए। यहाँ से हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा, प्यारा सा और वो काफ़ी नेचुरल सा रिजॉर्ट है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बनी है यहाँ पे। वाओ व्हाट अ सीन यार। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे सच में। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके। मतलब काफ़ी ओवरलोडेड सा हो रहा था, कॉलेज घर जिम, कॉलेज घर जिम, कॉलेज घर जिम। और फिलहाल अभी लुक एट दैट व्यू, वाओ नाइस, कितना प्यारा सा लग रहा है। ये सारे लोग एग्जैक्टली यहाँ पे हैं। कितनी पीसफुल जगह है ना भाई। ओह शांति, बहुत शांति। हमारे में भी प्राइवेट पूल है। डोर है, डोर के अंदर पूल है, फिर उसके अंदर डोर है, फिर रूम है। एग्जैक्टली यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है और अभी हमारा बोटिंग का टाइम नहीं आया और वो बोटिंग अभी बोट अभी घूम के आएगी, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। एक फोटो सेशन ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे और ये कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि फोटो सेशन कर रहे हैं। ये स्टड बंदा है जो फोटो खिंचवा रहा है। तुम्हारी ले ले। ओ ब्रो ब्रो, थंबनेल में तो ही होगा। योगेश फिल्टर में ली थी ना मेरी। हाँ
बहुत लाइट सी लाइट आ रही है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लाइट सी लाइट आ रही है और वो मेरे फेस पे दिख रही होगी, क्योंकि पीछे सूरज अभी ढला है ना, सनसेट की लाइट है, तो आप देख सकते हो कितना कितना नेचुरल व्यू है यार। लुक एट दैट व्यू गाइस, क्या लग रहा है यार, सच में यार बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, यहाँ का सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। अभी नाइट हो गई है तो मैं इसके बाद शूट नहीं कर पाऊँगा, तो और मुझे थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, तो मैं वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका पार्ट टू आएगा तो उसमें आपको सारी आगे की चीज़ें देखने को मिल रही होगी, तो अभी तब तक के लिए बाय।